आज की डेट 4 अक्टूबर और हम लोग बात करने वाला है स्टार्टअप पावर के बारे में। ये बेसिकली एक इलेक्ट्रिकल पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है जो कि घर घर में जाके वो घर घर में ये आपको बिजली सप्लाई करती है। आप लोग के भी घर में आते होगी रिलायंस है, बहुत सारी कंपनीज की अलग अलग कंपनी है इंडिया में। और ये जो है अगर हम लोग देखें तो फाउंडेड हुई थी 1991 में। इसकी जो भी करंट सीईओ है वो प्रवीण सिन्हा के सीईओ है। और ये जो टाटा ग्रुप का इसके जो पैरेंट ऑर्गेनाइजेशन टाटा ग्रुप है, और आप लोग को पता ही होगा कि इंडिया में टाटा ग्रुप का क्या नाम है। और अगर हम लोग इसके शेयर की बात करें तो अभी जो इसका करंट प्राइस है वो 168 रुपीज़ का शेयर प्राइस है। आज जो इसने हमको जो इम्प्रूवमेंट दी है वो थी 2.19% की। और अगर हम लोग इसके पूरे इसका अगर पिछले वीक के बारे में बात करें तो पिछले वीक में इस शेयर ने हम लोग को अप्रोक्स 27% वो 27 रुपीज़ का और 19% का इंक्रीमेंट दिया है। यानी कि इसने पिछले पूरे वीक में इस शेयर ने आप लोग देख सकते हैं 19% का इंक्रीमेंट हुआ है। अगर हम पिछले महीने की बात करें तो पिछले महीने में 27% इस शेयर ने आप लोग देख सकते हैं 27% इस शेयर ने इंक्रीमेंट दिया है। तो आप लोग ये 27% अगर कोई शेयर पिछले एक महीने में इंक्रीमेंट देता तो बहुत ही अच्छा माना जाता है। और अब बात यह आती है कि आप लोग को शेयर आपके पास अगर है तो आप लोग को सेल कर देना चाहिए। तो मैं आप लोग को रिकमेंड करूँ कि अगर ये शेयर आप लोग के पास है तो प्लीज़ आप लोग इस शेयर को अभी मत बेचें। और अगर आप लोग के पास खरीद सकते हो, इस शेयर को बाय करने की कैपेसिटी है, तो इस शेयर को बाय करो। अप्रोक्स 2 ईयर के लिए आप लोग इस शेयर को होल्ड कर सकते हैं। और उसके बाद आपके दो शेयर को उसके बाद आप लोग इस शेयर को सेल कर सकते हैं। तो उस आप लोग देखना कि आप लोग कितना अच्छा प्रॉफिट मिलेगा इस शेयर से लेके, क्योंकि एक ये पावर सेक्टर का जो है पावर सेक्टर का शेयर है। और पावर सेक्टर अगर आप लोग टाटा पावर के बारे में बात ले, रिलायंस पावर के बारे में, रतन इंडिया पावर, जेपी पावर और भी जितने पावर सेक्टर है वो सारे वाले आने वाले टाइम बहुत ज़्यादा बूम करने वाले हैं। और टाटा जो ये टाटा पावर है ये इसलिए बेनिफिट रहेगा अगर आप लोग खरीदते अगले 2 साल के लिए, क्योंकि इससे लिंक है टाटा मोटर्स। और टाटा मोटर्स आप लोगों को पता ही कि आने वाले कुछ टाइम में अपनी जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है वो लाने वाला है। और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स लाएगा तो इलेक्ट्रिक स्टेशन भी लाएगा। और इलेक्ट्रिक स्टेशन अगर इंडिया में आते हैं और टाटा पावर अपने ही इलेक्ट्रिक स्टेशन क्यों ना लेके आएगा अगर वो इंडिया में सिर्फ अपने जो बोलते हैं पावर स्टेशन लगाने होंगे। सो बस गाइस आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मैं आप लोग को यही रिकमेंड करता हूँ कि आप लोग इस शेयर को बाय करें और होल्ड करें। तो मैं मिलूंगा जल्दी आपसे अगली वीडियो में। ये वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट करके जरूर बताना ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी।